की वीडियो में भी आप नो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप ओके लेट्स स्टार्ट हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सब लोग ठीक हो घर पर हो और सेफ हो सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर एसेंशियल्स बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए दिस समर ओके दिस समर नहीं हमेशा ही होनी चाहिए आपकी लाइफ में तो चलिए इंट्रो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल सब प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी तो अगर आपको कोई भी आइटम बाय करनी है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं वीडियो के टाइटल पर क्लिक कीजिए एंड यू विल फाइंड माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लेट्स स्टार्ट पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी इन्वेस्ट इन अ गुड बॉडी स्क्रब जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ये बीइंग बाय सेंचुरी का बॉडी स्क्रब इट स्मेल्स डिलीशियस गाइस बॉडी स्क्रब जो होता है वो आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है और बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग बना देता है एंड बहुत बेबी सॉफ्ट फील होता है जब आप इसको यूज करते हो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बॉडी स्क्रब को एक से दो बार यूज करें ज्यादा यूज ना करें और जब आप इसको यूज करेंगे ना गाइस ओ माई गॉड जो उसके बाद फील आता है ना आपकी बॉडी जब आप उसको टच करोगे बिल्कुल जैसे बच्चों की बॉडी होती है ना बिल्कुल वैसी आपकी स्किन लगेगी वेरी सपल वेरी स्मूथ एंड डेफिनेटली इंक्लूड दिस काइंड ऑफ स्क्रब्स इन योर बेथिंग रेजिम ओके बॉडी स्क्रब इज अ मस्ट हैव Now let's move on to the body wash guys. Now this is a very very affordable option. मैंने अपनी एक एम्प्टीज की वीडियो में आपको बताया था कि मुझे लक्स का ये फ्रेग्रेंस बहुत बहुत बेहद पसंद है और ये वेलवेट जैस्मिन है मैंने एक पूरा बड़ा बॉटल आया है और दिस एंड दिस विल लास्ट यू फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months. आपको आराम से लास्ट करेगा अगर आप पूरी फैमिली यूज करो तो आई थिंक 1-1.5 महीना लास्ट करेगा तो ये बहुत अच्छा है इसके अंदर जैस्मिन है एलमंड ऑयल है आई लव मुझे इनकी सारी रेंज पसंद 500 ml बॉटल है आप एक अच्छी फ्रेग्रेंस अपने ऊपर यूज करते हैं ना तो आपका पूरा मूड होता है ना जब वो चेंज हो जाता है एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ आप रिलैक्स फील करते हो बहुत कामिंग फील करते हो सो एक अच्छा बॉडी वॉश होना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अब बॉडी वॉश की बात की अब उसके बाद हम क्या लगाते हैं क्रीम बॉडी लोशन तो वैसे तो आप मैं जो यूज़ करती हूँ कभी कभी निविया की क्रीम आप यूज़ कर सकते हो देन वैसलिन की बहुत अच्छी है बट अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो वैसलिन वगैरह थोड़ा थिक हो सकता है बट अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो आप वैसलिन यूज़ कर सकते हो बट जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल वो है बाथ एंड बॉडी वर्क्स की ये कोकोनट मिंट ड्रॉप ओ माई गॉड गाइज इसका जो फॉर्मुलेशन है इसकी जो फ्रेग्रेंस है ओ माई गॉड जब मैं इसको अपने बॉडी पे लगाती हूँ इसकी फ्रेग्रेंस इतनी लॉन्ग लास्टिंग है इतनी रिफ्रेशिंग है एंड अपने आप से यू नो अपने आप से अच्छा एक फील आता है बहुत 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 कमाल की चीज है ये डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई ओके नाउ आई एम समवन हु लव्स टू स्मेल गुड ऑल डे ओके सो व्हाट आई यूज इज आई यूज बाथ एंड बॉडी वर्क्स दिस मिस्ट ओ माय गॉड आई हैव सो मेनी बॉडी आई हैव सो मेनी बॉडी Again, I have so many Bath and Body Works mist. मुझे इतनी अच्छी लगती है इनकी mist. बहुत long lasting होती है. And this one, especially this one, dark. अगर आपकी कंट्री में बाथ एंड बॉडी वर्क्स है डेफिनेटली ट्राई दिस वन ओ माई गॉड यू विल लव इट बहुत अच्छी फाइन मिस्ट है इसकी एंड इसके अंदर जो प्रोडक्ट आता है दैट इज 236 ml प्रोडक्ट ओके एंड ये मैं काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही हूँ ख़त्म ही नहीं हो रहा है मैं मतलब पूरी बॉडी में लगाती हूँ उसको अभी भी लगाती हूँ और कितनी फाइन है इसकी मिस्ट नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास बॉडी रेजर येस अनवांटेड हेयर ग्रोथ को रिमूव करने के लिए बॉडी रेजर आप यूज़ कर सकते हैं या जो वीट की स्ट्रिप्स आती है ना वैक्स स्ट्रिप्स आप वो भी यूज़ कर सकते हो बट डोंट यूज़ वीट क्रीम ओके जो क्रीम्स आती हैं वो बिल्कुल मत यूज़ करें क्योंकि उससे आपके जो एरियाज़ हैं वो ब्लैक पड़ सकते हैं सो ऑलवेज़ यूज़ वीट स्ट्रिप्स और एनी वैक्स स्ट्रिप्स So now next thing is, which is very very essential, you must have a good face wash. By good I mean it should be gentle on your skin, okay? It should not be harsh. So I have been using this simple face wash. It is 100% soap free. इसके अंदर कोई ज़्यादा जैसे normal face wash जो हम use करते हैं foam ज़्यादा buildup हो जाता है इसको जब आप use करते हो इतना ज़्यादा foam buildup नहीं होगा And this is dermatologically tested, kind to skin and it is number one UK facial skincare brand. Okay, so guys, this is
इज रियली अ गुड वन. अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, डेफिनेटली गिव दिस अ शॉट, यू विल लव. एंड ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं देगा एंड बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, ट्रस्ट मी. नाउ आफ्टर फेस वॉश हम क्या करते हैं, टोनर लगाते हैं, सिरम लगाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टोनर. ये है वाओ स्किन केयर टोनर, बहुत ही अच्छा टोनर है. आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड वन बॉटल ऑफ दिस, दिस इज माय सेकंड बॉटल. ये मैंने इंडिया से लाई थी और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही रिफ्रेशिंग मिस्ट है. इनफैक्ट इसके अंदर विटामिन सी है, तो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइटन अप करने के लिए भी काम आता है. और वाओ के प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन, नायका पे आराम से मिल जाएंगे और बहुत अफोर्डेबल भी है ये. तो टोनर की बात हो गई, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सीरम, जो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है. सिरम के लिए अगेन मैं आपको रेकमेंड करूंगी वाओ का ये विटामिन सी सिरम, बहुत अच्छा है. आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस, सी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पूरा खत्म हो चुका है ये. आई लव इट. जब भी मैं इंडिया जाऊंगी आई एम डेफिनेटली गोना ऑर्डर मोर ऑफ दीज, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा लगा. समर्स में आपको हमेशा विटामिन सी प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए. इट इज ऑयल फ्री एंड इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर देगा और ब्राइटन अप भी कर देगा. तो एक विटामिन सी सीरम में आप जरूर इन्वेस्ट करें. ओके, आफ्टर सीरम व्हाट वी यूज इज अ गुड मॉइस्चराइजर. सो आई हैव बीन यूजिंग दिस इमल्शन फ्रॉम कैलेंडुला रेंज फ्रॉम फेस शॉप, बहुत अच्छा है. यू नो आई हैव फिनिश्ड इट ऑल द वे, अब इतना रहता है ये. और ये बहुत अच्छा है, 150 ml है और बहुत हाइड्रेटिंग. एक्चुअली आई बिलोंग टू अ ड्राई स्किन फैमिली, ओके, सो आई हैव वेरी वेरी ड्राई स्किन. और आजकल तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई कि मैं बता नहीं सकती हूँ. बट आई लव द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस, सो यू शुड हैव अ गुड मॉइस्चराइजर. अगर आपकी ऑयली स्किन है, डोंट स्किप मॉइस्चराइजर्स गाइस. मॉइस्चराइजर लगाइए बट ऑयल फ्री लगाइए, ओके. सो मॉइस्चराइजर अपनी डेली रूटीन में आप जरूर इंक्लूड कीजिए. आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर, आप सेटाफिल की लोशन यूज कर सकते हो, इट इज ब्यूटिफुल, बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी आपकी स्किन पर. नेक्स्ट आप कोई भी लाइट वेट फॉर्मुला, न्यूट्रीजीना का जो हाइड्रो बूस्ट आता है, वो भी मैंने यूज किया है पास्ट में, वो आप यूज कर सकते हो, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन पीपल. सो आप कुछ इस तरीके के मॉइस्चराइजर जरूर अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए. नाउ फॉर माय ऑयली स्किन पीपल, मैं आपको बोलूंगी अगर आपको इमल्शंस या आपको अगर क्रीम्स यूज नहीं करनी है, गो फॉर अ एलोवेरा जेल और यू कैन आल्सो गो फॉर अ बैम्बू जेल. नाउ बैम्बू जेल इज रियली रियली गुड. इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ऑलमोस्ट फिनिश्ड. सी, इट लुक्स लाइक एलोवेरा एंड आई थिंक इट इज मच बेटर देन एलोवेरा अकॉर्डिंग टू मी. सो मुझे ये बैम्बू जेल बहुत पसंद है. आई थिंक आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगा. अगर आपको अमेजोन पे बैम्बू नहीं मिलता तो आप एलोवेरा भी नॉर्मल ट्राई कर सकते हो. एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है फॉर द हाइड्रेशन, फॉर दैट ग्लोई स्किन एंड फॉर एक्ने मार्क्स, इवन फॉर एंटी एजिंग के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज 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 इन्वेस्ट इन अ गुड सनस्क्रीन लोशन. मैंने यूज की है पास में लोटस की सनस्क्रीन, देन बायोटिक की सनस्क्रीन मैंने यूज की है, निविया की सनस्क्रीन मैंने यूज की है, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस सेबा मेड सन केयर 50 हाई पीएच 5.5 क्लिनिकली टेस्टेड सनस्क्रीन. गाइज दिस इज सच अ गुड सनस्क्रीन. सो सेबा मेड इज अ ब्रांड जो आई थिंक बेसिकली इट्स मेड फॉर किड्स, ओके. जब आप इसको इनिशियली लगाओगे ये व्हाइट कास्ट छोड़ेगा आपके फेस पे, बट विद टाइम इट विल डिसअपीयर, ओके, ज्यादा नहीं दिखेगा आपके फेस. जब मैं इसको यूज करती हूँ मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोई लगती है एंड दिस इज वाटर रेजिस्टेंट, ओके. सो डेफिनेटली यू शुड हैव SPF. SPF इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. अगर आप नहीं चाहते कि आपकी स्किन डल हो, टैन हो और एजिंग ज्यादा जल्दी हो जाए आपकी स्किन की, तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग दिस. अगर आप घर पे भी रहते हो आपको यूज करनी है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेस तब भी हमारी विंडोज के थ्रू पीक हो रही है. डोंट निग्लेक्ट दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेयर. मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इस चीज को जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने ट्राई की है और मुझे इतनी अच्छी लगी ये चीज, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ. क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत ड्राई हेयर है और बहुत फ्रीजी बाल है, तो कैसे उसका कोई सोल्यूशन बताएं. तो गाइस वैसे तो आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हो, ट्राई क्या आपको करनी चाहिए महीने में एक से दो बार, बट अभी इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो आप एक अच्छे हेयर मास्क में जरूर इन्वेस्ट करें. दिस वन मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो की है दैट माय रिव्यूज अबाउट दिस मास्क. अगर आपने वॉच नहीं किया आई विल लिंक इट डाउन बिलो. तो इस मास्क को आप जरूर ट्राई करें. ये लॉरियल का मिथिक ऑयल है,
सीरीज एंड मिथिक में बहुत डिफरेंस है. सो ट्राई दिस वन मिथिक ऑयल फॉर्मूला. इट इज ब्यूटिफुल गाइज, इट इज ब्यूटिफुल. आप इसको एक बार लगाने से ही ना आपके बालों में बहुत जल्दी यू विल सी दैट शाइन, यू विल सी दैट योर हेयर इज लुकिंग स्मूथ, बिल्कुल फ्रिजी नहीं. लास्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे लगता है इट इज एसेंशियल जब आपको अपने बाल ना धोने हो. आई थिंक आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ. तो ये ड्राई शैम्पू बहुत अच्छा है, बटीस का है. आई लव इट, यूके इज नंबर वन ड्राई शैम्पू. ड्राई शैम्पू वैसे तो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, बट कुछ ज़्यादा इमरजेंसी हो, आपको बाल धोने का टाइम नहीं है और आपको बाहर जाना है, यू हैव टू रश, सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ ड्राई शैम्पू. इससे बहुत अच्छा एक फिनिश आ जाता है आपके बालों पर, बहुत ऐसा लगेगा कि आपने बाल धोए हैं, सच बता रही हूँ. तो इसलिए ये एक चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, विच इज़ अ मस्ट मस्ट हैव ओकेजनली, कभी कभार, नॉट ऑन डेली बेसिस. ये नहीं कि आज सर धोना है और घर पे बैठे हो, नहीं यार छोड़ो ड्राई शैम्पू लगा लो, नो. ओके, ये सिर्फ एक इमरजेंसी प्रोडक्ट है जो कि आपको इमरजेंसी में ही यूज़ करना चाहिए. मैं भी इस प्रोडक्ट को महीने में 2 से 3 बार या कभी कभी एक बार भी यूज़ कर लेती हूँ. कैसे यूज़ करती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है मेरे बाल, तो मुझे ये लेना है, आपको दूर से स्प्रे करना है ऐसे, ठीक है, कर लिया. अब आपको अपने बालों को ऐसे ऐसे रब करना है, यू विल सी कितना अच्छा वो बाउंसी इफेक्ट मिलेगा आपके बालों को. सी कितने फ्रेश, कितने बिल्कुल चिपके हुए नहीं लग रहे, राइट. यहाँ से पूरा वो कास्ट हट गया, यू कैन जस्ट रब इट ऐसे करके. दिस वन इज अ मस्ट हैव. सो आई एम समवन जिसको लिप बाम्स बेहद पसंद है. आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लिप बाम्स, मतलब मैं नहीं रह सकती हूँ. अगर मुझे फीलिंग आ जाना मेरे लिप्स चैप लग रहे हैं तो आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल. सो आई नीड अ गुड लिप बाम, विच इज दिस वन, द लनैश लिप मास्क. ओ माई गॉड, ये छोटू सा टब है, इसको 5 महीने हो गए हैं, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसका क्या करूँ मैं. आपके पास एक अच्छा लिप मास्क ज़रूर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं आपके पास यही होना चाहिए. वैसलीन यूज़ कर लो यार, आप इनफैक्ट घी भी यूज़ कर सकते हो फॉर दैट मैटर्स. यू कैन यूज़ मेबेलिन लिप बाम्स, मैं पहले वही यूज़ करती थी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओनली 2 आइटम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेकअप में, ज़्यादा नहीं शेयर करने वाली क्योंकि हम वैसे ही मास्क पहनते हैं. इन्वेस्ट इन अ गुड टेंट गाइज, मुझे ये फेस शॉप का टेंट बहुत अच्छा लगता है. मैंने फेस शॉप टेंट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो की है, हाउ टू यूज़ देम, अगर आपने वो वॉच नहीं किया है आई विल लिंक इट डाउन बिलो. एक टेंट इज अ मस्ट है क्योंकि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. इनफैक्ट ये नेचुरल दिखाता है आपको यार, लगता ही नहीं कि आपने फेस पे कुछ लगाया. जब मैं इसको लगा लेती हूँ ना, बस मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है. आई लव दिस थिंग, आई लव दिस प्रोडक्ट. और ये भी हाफ द वे मैंने ख़त्म कर ही दिया है और अभी इसका बैकअप है मेरे पास वैसे. तो मुझे टेंट्स रेगुलर बेसिस पे पसंद है एंड इट डज नॉट हार्म योर स्किन, सच बताऊँ. अगर आपको, इफ़ यू आर समवन जिसके फेस पे थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो. ये बहुत 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 अच्छा प्रोडक्ट है. मैक का मेरा जो शेड है वो है NC25. आपका फेस सेट भी कर देगा एंड इट विल स्टिल लुक वेरी वेरी सीमलेस. बहुत अच्छी ब्लेंडेबिलिटी है इस प्रोडक्ट की. तो अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल कंसीलर भी एक यूज़ कर सकते हो. बट अगर आपको थोड़ा हैवी बेस नहीं चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए. पहले इसको लगाइए, फिर इसको लगाइए एंड यू आर सॉर्टेड. एंड ऑल्सो वन मोर आइटम, मस्कारा. यस, तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं यू आर सॉर्टेड, क्योंकि आपको और कुछ भी नहीं चाहिए सच बताऊँ तो. एक ये, एक ये एंड एक ये. सो दीज आर थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल कि समर एसेंशियल्स में आपके पास होनी 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 चाहिए. एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों के पास होगी. जो चीज़ें आपके पास नहीं है तो वो आप बाय कर सकते हो ऑनलाइन. तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, लाइक इट, शेयर इट एंड गिव मी अ फीडबैक डाउन बिलो विच वन वॉज योर फेवरेट आइटम एंड कौन सी चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे अभी इस वीडियो को देखने के बाद. न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, इट रियली मीन्स अ लॉट. चलिए मैं आपको मिलती हूँ दूसरी वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी, लव योरसेल्फ गाइज एंड आई लव यू ऑल सो मच. बाय.